जरा कर ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। और जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं ये लकी स्टार से थोड़ा पहले, यानी एम्प्रेस मार्केट से थोड़ा आगे। और यहाँ पर अब हमने चाय वाय पी है, अपने कुछ कुलिक दोस्त हैं उनके साथ। अब यहाँ से हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे और रास्ते में रात के इस पहर क्या क्या मनाजिर हैं, किस तरह का रोड चल रहा है, कितनी लाइटें ऑन हैं, क्या है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं और चलते हैं शहर कराची। रात 2:30 बजे के बाद क्या सूरत हाल है शहर कराची की, लीजिए। साइडों में फ्रूट मार्केट बेचारे फ्रूट भरे हुए हैं, ठेले भरे हुए हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है और अल्लाह रहम करे इतनी सेल नहीं हो रही। अक्सर बेशतर हमारी जो नज़र पड़ती है ठेलों पे रात के पहर भी, तो ठेले में सामान ज़्यादा ही मौजूद होता है, फ्रूट वगैरह, वरना इससे पहले जो है ठेले खाली हो जाते थे और जो थोड़ा बहुत माल बचा होता था तो लमसम के हिसाब से वो फ्रोक कर देते थे। बाहर आने ही बड़ा खूबसूरत पंप आ चुका है लेफ्ट साइड पर, और ये सीधा रास्ता जो है लाइन्स एरिया से होता हुआ हम जाएंगे, लाइन्स एरिया से होते हुए काज आजम के बैक साइड वाले मज़ार से और फिर गुरु मंदिर से निकलेंगे। लेकिन रौनक आप देख सकते हैं शहर कराची में रात के 2:30 बजे भी ये रौनक है। असल में यहाँ पर करीब में ही आप जिना हॉस्पिटल भी आ जाता है कुछ ही फासले पर आगे की साइड पर जाके, और एक और हॉस्पिटल है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा भारत, तो इस वजह से यहाँ पर होटल वगैरह रात भर खुले भी रहते हैं। और कराची में तो चाय के होटल रात भर ही, ये देखें ठेलों पर फ्रूट भरे पड़े हुए हैं और गाहक नहीं है, तो ये सारा दिन बेचारे जो है सेल के लिए दर बदर फिरते हैं। अल्लाह ताला इनके रोज़गार में बरकत अता फरमाए। कराची का मौसम दिन में गर्म है, यानी इतना भी गर्म नहीं है, हवाएं चलती हैं और रात में टेम्परेचर तकरीबन 24-25 पर आ जाता है, तो मौसम रात का बहुत अच्छा है। अभी सही मानों में गर्मियां नहीं आई हैं जिस तरह की गर्मियां पड़ती हैं कराची में। अब मई या जून में देखते हैं कैसा मौसम होता है। वैसे तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हुआ है और जिसकी वजह से मौसम भी जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, अब जैसे बारिश वगैरह 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद वगैरह और बलूचिस्तान में हुई, वहाँ पर सर्दी दोबारा लौट आई, यानी टेम्परेचर काफ़ी गिर गया था, 7-8 पर आ गया था, तो सारी बात एक फिर जो है सर्दी का ही मौसम हो गया। यहाँ पर अंधेरा काफ़ी है लेकिन कैमरा हमारा बहुत अच्छा है जिसकी वजह से नाइट व्यू जो है वो हमने ऑन किया हुआ है, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। और कुछ बसों की और गाड़ियों की जो लाइटें हैं आगे की तरफ जा रही हैं, तो ये देखें ये आ गया काज आजम का मज़ार। लाइन्स एरिया हम क्रॉस कर चुके हैं और अब काज आजम के मज़ार के सामने वाले ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हुए फिर अब हम मोहम्मद अली सोसाइटी का कुछ हिस्सा आएगा उसको शॉर्टकट रास्ता करते हुए हम गुरु मंदिर की तरफ निकलेंगे और वहाँ से फिर नॉर्थ नाम। देखते हैं वीडियो को कहाँ तक बनाते हैं, तो हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बटन को ज़रूर प्रेस करें। आजकल इंकरेजमेंट नहीं है और अब हम ज़्यादातर जो है ब्लॉग बना रहे हैं कराची रोड स्ट्रीट वीडियो का और मुख्तलिफ मार्केटों का, तो इन वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर करें। ट्रैफिक बहुत कम क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और इसमें इस पहर तो ट्रैफिक कम ही मिलेगा, लेकिन जहाँ रेस्टोरेंट वगैरह फूड स्ट्रीट है वहाँ पर तो आपको काफ़ी रश लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे रात के 8:30 बजे।
यहाँ से हम टर्न लेते हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार से, अगर सीधा जाएँ तो फिर आप वापस उल्टे हाथ पर टर्न लेंगे तो सदर की तरफ, और राइट साइड पर आगे से जाके उल्टे हाथ से आगे से जाके राइट साइड पर भी टर्न लेंगे तो फिर आप पटेल पाड़ा। फिलहाल हमने यहाँ से टर्न ले लिया है और हम जो रूट इख्तियार करेंगे वो अपना गुरु मंदिर की वाली साइड की तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी काफ़ी रौनक नज़र आ रही है, यहाँ नारियल वाले बहुत हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब पता नहीं रात के स्पैर मौजूद है कि नहीं है, चले देखते हैं। ये है इक्का दुक्का दुकानें फुटपाथों पर मौजूद हैं ठेले वालों की, जो कि ठेले पर हैं, और ये घोड़ा चौरंगी जो कि काफ़ी अच्छी बनाई गई थी, अभी फ़िलहाल यहाँ पर सीवेज की लाइन जो है प्रॉब्लम हुई भी। ये देखें घोड़ा चौरंगी बड़ी खूबसूरत चौरंगी बनाई, ये रहा नारियल वाला, मैंने कहा था ना नारियल वाले ज़रूर मौजूद होते हैं, काफ़ी मशहूर है यहाँ पर। अभी तो एक है लेकिन इसके अलावा भी तीन चार ये भी मौजूद है। ये अब हम आगे जाके उल्टे हाथ पर टर्न लेंगे तो गुरु मंदिर की साइड की जो है, यानी सामने जो है जमशेदपुर रोड भी लग जाता है, और इस तरफ उल्टे हाथ पर जो है गुरु मंदिर भी है, यानी सीधा सामने का जो इलाका है वो मॉडर्न बॉर्डर जमशेद रोड का इलाका कहलाता है। बारह उल्टे हाथ पर हमने टर्न लिया है और यहाँ पर तो वाकई में रौनक काफ़ी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी रश रौन है, और कराची में इन जगहों पर आपको काफ़ी रश मिलेगा किसी भी टाइम आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टिक्के वगैरह गोला कबाब सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, बारबेक्यू। अब यहाँ से अब हम टर्न लेते हैं और ये सामने आ गया गुरु मंदिर और ऊपर ग्रीन लाइन का ट्रैक, यहाँ पर रौनक काफ़ी है। यहाँ पर कुछ दुकानें 24 घंटे भी खुली हुई होती हैं। यहाँ से हम राइट साइड पर टर्न लेते हैं, देखते हैं कहाँ ख़त्म करते हैं। यूटर्न हमने यहाँ से राइट से लिया है, सीधा अगर जाते हैं तो लसबेला का रूट पड़ता। यहाँ से अब हम सीधा निकलेंगे जहांगीर रोड, और जहांगीर रोड से टीनट्टी, और फिर लियाकताबाद का ब्रिज पकड़ेंगे और फिर नॉर्थ नाजाबाद की तरफ निकल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।